तो गाइस ये जो आप पब्लिक देख रहे हो ना, ये सारी पब्लिक जा रही है बेस कैंप, क्योंकि बेस कैंप से ही गाड़ियां मिल रही हैं। अभी रात के 3:30 बज रहे हैं। स्वागत है गाइस आपका एक और नए ब्लॉग में। तो अभी हूँ मैं पहलगाम में, और मैंने कहा था ना आपको, अगर आप बेस कैंप में नहीं रुकोगे तो चंदनवाड़ी जाने के लिए सुबह में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी मैं जा रहा हूँ बेस कैंप, फिलहाल अभी हूँ पहलगाम में। बेस कैंप यहाँ से थोड़ा दूर है, नूनवान में बेस कैंप है, तो वहाँ जाता हूँ। दिखाता हूँ मैं आपको कि अभी 3:00 यहाँ पर क्या कंडीशन है, लोग कैसे परेशान हो रहे हैं टैक्सी के लिए। टैक्सी लिए परेशान क्या, सुबह 6:00 चलेगी और यहाँ पे लाइन लग जाती है रात से ही 2:00 3:00 ऐसे। तो दिखाता हूँ मैं आपको। गाइस ये जो आप देख रहे हो ना, लोग जाने लगे हैं अपने अपने होटलों से निकल के बेस कैंप की ओर। तो मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को बेस कैंप में जाने दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही इतना रस है कि क्या बोलूँ। और यहाँ पर लगी हुई है लाइन, आप देख सकते हो टैक्सियों की। इन सारी टैक्सियों में लोग बैठ के जाएंगे चंदनवाड़ी, लेकिन फिलहाल ये सारी टैक्सियों को जाना पड़ेगा बेस कैंप तक। तो गाइस आज प्रशासन की तरफ से गाड़ियों का बहुत ज़्यादा इंतजाम किया गया है। मेरे पीछे जो देख रहे हो ना, बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं और ये लाइन लगी है बेस कैंप तक। तो आज थोड़ी सी प्रॉब्लम कम होनी चाहिए, लेकिन यार पब्लिक थोड़ी ज़्यादा होगी तो इसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। फिलहाल चल के देखते हैं कि यार बेस कैंप के हालात वगैरह क्या है। फिलहाल जो आप मेरे पीछे तो देख ही रहे हो, लाइन लगी है किलोमीटर पीछे तक गाड़ियों की, और बेस कैंप अभी यहाँ से है 2 किलोमीटर। तो देखते हैं चल के कि 2 किलोमीटर तक क्या चल रहा है आगे में। तो गाइस ये जो लाइन देख रहे हो ना, अब सारी गाड़ियाँ बेस कैंप तक जा रही हैं। मैं काफ़ी दूर से आ गया हूँ यहाँ चलते चलते। अब बेस कैंप पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन यार क्या बोलूँ मैं अभी आपको, यार इतनी लंबी गाड़ियों की लाइन है तो पब्लिक कितनी होगी आप खुद समझ सकते हो ना। तो गाइस फिलहाल मैं अभी पहुँच गया हूँ नूनवान बेस कैंप, और ये बेस कैंप के बाहर का नज़ारा है। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा पब्लिक यहाँ पे इकट्ठी हो रखी है, और जो ये पब्लिक है इनमें से किसी को भी टैक्सी नहीं मिलनी, इतना बता देता हूँ मैं आपको। क्योंकि जो पब्लिक जा रही है ना, क्या कर रहे हैं ना, जो पब्लिक बेस कैंप के अंदर है, 10 गाड़ियाँ वहाँ से जा रही हैं और 10 गाड़ियाँ बाहर से जा रही हैं। तो देखते हैं आज क्या होता है यहाँ पर। और ये जो आप लोगों को नीचे बैठे हुए देख रहे हो ना, इन लोगों से मैंने बात की थी, पूछा था कि भाई कितने बजे से बैठे हो, बोले भाई रात को सोए ही नहीं। आप सोच सकते हो यार, बाबा अमरनाथ की यात्रा जा रहे हैं, रात को सड़क पे ही बैठे हैं, आप देख रहे हो, एक झपकी भी नहीं ली। बोल रहा है भाई पहले नंबर आने के चक्कर में हम यहाँ बैठे रहे, लेकिन अभी नंबर का तो कुछ पता नहीं। और ये जो आप ग्राउंड से देख रहे हो ना, पब्लिक इतनी सारी खड़ी है, यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको, ये सामने जो गेट देख रहे हो, यहाँ से गेट से पब्लिक को अंदर भेज रहे हैं, और पीछे से जाके टैक्सियाँ मिल रही हैं, और इस गेट के अंदर इतनी ज़्यादा पब्लिक है और उससे कई ज़्यादा पब्लिक बाहर है, समझ रहे हो। और ये जो टैक्सी जा रही है, अंदर से फिल होकर आ रही है और फिर निकल रही है बाहर। तो भाई नज़ारा बहुत ही ख़तरनाक है, आप देख सकते हो। मुझे तो डर है कहीं अगर भगदड़ ना हो जाए, अगर भगदड़ हो गई तो भाई बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जानी है। पब्लिक इतनी है, कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा इनको, समझ रहे हो। लेकिन जैसे तैसे शांति बनी हुई है, ये तो बस भोलेनाथ की कृपा है, सबको टैक्सियाँ मिल जाए, मैं तो यही चाहता हूँ। और सुबह के 5 बजे से टैक्सियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं जाना ऊपर की ओर चंदनवाड़ी की ओर। फिलहाल आप देख सकते हो 10 जो टैक्सियाँ हैं वो जाएंगी बेस कैंप के अंदर से, और 10 टैक्सियाँ जो है वो जाएंगी बाहर से। तो आप ऐसा देख सकते हो, जो बाहर लोग हैं वो 10 टैक्सी में जाएंगे पहले, और अंदर वाले 10 टैक्सी में, ऐसे ही दो तब, मतलब जैसे 2 लाइन लगाते हैं उस तरीके का सीन है। तो फिलहाल ये सारी गाड़ियां जो देख रहे हो ना, ये चल रही हैं अंदर की ओर। इनसे क्या होगा, ये बाहर वाले लोग जितने भी खड़े हैं उनको बैठाया जाएगा, और अंदर स्लिप कटती है, वो अपना FRID कार्ड दिखा के आपको पर्ची लेनी पड़ेगी। तो वो सब कुछ ऐसा सीन चल रहा है अभी यहाँ पे पहलगाम में। लेकिन भाई अभी जो रस है ना, उसकी तो बात ही मत करो यार।